सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ चैनल में मैं पंडित विपिन नटवरलाल जी व्यास खड़ोतकला आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आइए 12 राशियों के इस सप्ताह के भावों को जानते हैं। 12 राशियों में सप्ताह क्या क्या होगा इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह शारीरिक कष्ट, अव्यवस्थाएं, मन संताप, आर्थिक अव्यय, दाम्पत्य जीवन में कष्ट व भाइयों से मतभेद होगा। क्या करें कि आपको शांति प्राप्त हो, इसके लिए आप इस सप्ताह राहु के जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातक इस सप्ताह क्या करें, कैसा रहेगा उनका यह सप्ताह, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस सप्ताह उनको लाभ प्राप्त होगा, लाभकारी यात्राएं उनकी होगी, नौकरी धंधे में सफलता मिलेगी, मुक्ति, विरोधियों से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, रुके कार्य पूर्ण होंगे। आपका यह सप्ताह बड़े आनंददायक तरीके से निकलेगा, इसलिए आप इस सप्ताह में आनंद की अनुभूति करते रहें। तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में यह सप्ताह बड़ा खराब है, क्योंकि कष्टदायक सप्ताह है। यह आत्मीय जनों से मतभेद, भाई व संतान चिंता बनी रहेगी, पद प्रतिष्ठा में मुक्ति होगी, सफलताओं से हर कार्य को करने के लिए आप इस सप्ताह आपके आराध्य आपके राशि स्वामी बुद्ध की आराधना करें, आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह क्या करना है, तो भाग्योदय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और शारीरिक पीड़ा, स्वजनों से कलह, मित्रों से मतभेद, यह कार्य कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह रहेंगे। क्या करें जिससे आपको फायदा हो, राहु और शनि की शांति करवाएं। इस सप्ताह में राहु और शनि के जापों को जपें। कन्या सिंह राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में क्या करना है, इस सप्ताह में सिंह राशि वाले जातकों को दाम्पत्य जीवन में परेशानी, भागीदारी से हानि, शारीरिक मानसिक तनाव, रक्त विकार, अपघात, थकावट, भाइयों से मतभेद, शत्रु भय व कदाचित दुर्व्यसन की प्रवृत्ति। आपको क्या करना है इस सप्ताह, आपको गुरु की शांति करवाना है जिससे आपको लाभ होगा। गुरु की शांति के लिए गाय को गुड़ चना रोटी दें, आपका सप्ताह शुभ हो। कन्या राशि वाले जातक इस सप्ताह कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना है और कैसा रहेगा उनका यह सप्ताह, तो दाम्पत्य जीवन में कटुता, शारीरिक मानसिक पीड़ा और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट केस में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस सप्ताह अपने आराध्य देव भगवान हनुमान जी की आराधना करें, साधना करें, आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आइए आगे बात करते हैं अपन तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह है। द्रव्य की प्राप्ति, शत्रु का नाश, आरोग्यता, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता, सुविधा, संपन्नता, सामग्री का क्रय होगा। आपका सप्ताह बड़ा अच्छा है, घर में कुछ नया लाएंगे और सबको खुश करेंगे। अब जो है आगे चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह संतान
पीड़ा रहेगी। आप अपनी संतान को, संतान के ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपको संतान कष्ट, अकारण यात्रा, शत्रु पीड़ा, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, विद्या में, पढ़ाई में बाधा आएगी, आर्थिक उतार चढ़ाव, आप अपकीर्ति, स्वजनों से कलह और जितने भी सट्टा व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस वर्ष में क्या करें, आपको इस वर्ष भगवान, इस सप्ताह में आपको गुरु जी की आराधना करना है। गुरु वक्री होकर के धनु राशि में प्रवेश कर चुका है, तो उनकी आराधना करें, क्योंकि साढ़े साथी आपकी जो उतर चुकी थी उसका अंतिम ढैया पुनः वक्री गति से आने से 4 महीने तक शनि भी रहेगा और गुरुदेव भी आ चुके हैं, तो गुरु की आराधना करें, रुके कार्य पूरे होंगे। धन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह क्या करना है, क्योंकि इस सप्ताह धनराशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। गुरु का प्रवेश धन में हो चुका है, स्वग्रही गुरु आ चुके हैं, तो अशुभ फलों में कमी आकर के द्रव्य की बहुत प्राप्ति होगी और परिश्रम पूर्वक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप इस सप्ताह आनंद से और समय निकालेंगे। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो इस सप्ताह मकर राशि वाले जातकों को संकट का समय है, संकटों से छुटकारा प्राप्त होगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, नौकरी धंधे में सफलता होगी, द्रव्य की प्राप्ति होगी, शत्रु नाश होगा और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। क्यों, इस सप्ताह आप अपनी आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान शनि की आराधना करें। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो इस सप्ताह भाग्य में अवरोध, वाणी में कटुता आ जाएगी, आपके शब्दों में मिठास नहीं रहेगी, तोल मोल करके बोलने का प्रयास करें। कुटुंब में क्लेश, धन की हानि, राज्य भय, कार्यों में रुकावट। इस सप्ताह आप अपने राशि स्वामी शनिदेव की अच्छे से आराधना करें, उनकी भक्ति करें, आपका कार्य पूर्ण होगा। आइए मीन राशि वालों जातकों के लिए इस सप्ताह में क्या करना है। रक्त विकार, अपघात कार्यों में अवरोध, प्रियजनों का वियोग, यात्रा में कष्ट, मन संताप, ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी। इसलिए इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक लगावें, आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। इस सप्ताह का राशिफल, जय श्री कृष्ण।